देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतु बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर लाल कुआं से है। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश कोषा अध्यक्ष बनने के उपरांत प्रथम बार लालकुआं पहुंचे वरिष्ठ सपा नेता एसके राय ने यहां वन विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी तराई से लेकर पहाड़ तक समाजवादी पार्टी को अधिक मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तत्कालीन अखिलेश सरकार के दौरान विकास के मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी यहां की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में बेरोजगारी एवं पलायन बड़ी समस्या है, जिस पर वे और उनके पार्टी गहनता से विचार कर रही है और प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए औद्योगिक नीति में ठोस बदलाव करके यहां के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि प्रदेश में हो रहे पलायन पर यथासंभव लगाम लग सकेगी। वहीं उनके साथ मौजूद उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी तीसरे विकल्प का काम तो करेगी ही, साथ ही प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप जो भी एजेंडा समाजवादी पार्टी लेकर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में उतरेगी, उसकी पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता निर्वहन करेंगे। उन्होंने प्रदेश कोषाध्यक्ष एसके राय के उत्तर प्रदेश में तत्कालीन अखिलेश सरकार में विकास के मॉडल को दोहराते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में भी 2022 में यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो विकास कार्यों को तत्काल प्रभाव से गति देने का काम किया जाएगा। आप देख रहे हैं लालकुआ से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।